नेक्स्ट नंबर पैटर्न्स, इस एग्जांपल से जस्ट पहले सारे के सारे पैटर्न डिस्प्ले करा रहे, लाइक गिविंग शेप। इन इस केस में करंटली शेप का टाइप क्या है? दैट वन। इस प्रीवियस केस में शेप डिफरेंट था, इस केस में शेप डिफरेंट है, इस दैट वन। तो इस केस में जब शेप चेंज हो रहा है उसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं इफ कंडीशन चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी। इस केस में रिक्वायर्ड क्या है, लोअर पार्ट में कंप्लीटली क्या रिक्वायर्ड है, ओनली स्पेसेस, अपर पार्ट में ओनली नंबर्स। तो सबसे पहले स्पेस और नंबर्स के लिए कंडीशन चेकआउट करेंगे इफ के फॉर्म में। इन दैट केस इस 4x4 और एन मैट्रिक्स के लिए, एन वाई एन के लिए एन वैल्यू कितना है, 4। अगर मैट्रिक्स 4x4 ऑर्डर का, देन इस केस में पर्टिकुलर केसेस में रिक्वायर्ड क्या है, स्पेसेस। ऑलरेडी इस लॉजिक को डिस्कस किया था ड्यूरिंग स्टार्स, मीन्स स्टार डिस्प्ले करा, नंबर डिस्प्ले करा, शेप को प्रिंट कराने का लॉजिक सेम हुआ, मीन्स या तो स्पेस या फिर नंबर्स। इन दैट केस स्पेसेस के लिए कंडीशंस क्या है, सिंपली इस केस में लॉजिक क्या है, फर्स्ट वन, अगर n का वैल्यू 4 गिवन है, इफ n वैल्यू इज गिवन एज 4, इस केस में रिक्वायर्ड क्या है, मीन्स फर्स्ट वन। अगर i और j का एडिशन क्या है, मीन्स इस केस में i और j का एडिशन क्या शोर है आपको, 2 + 4 = 6। सेकेंड केस में i और j का एडिशन क्या है, I प्लस जे इज अगेन 6। नेक्स्ट केस में 4 + 2 के केस में क्या है, ऑल्सो 6। नेक्स्ट वन 4 + 3 के केस में क्या है, ऑल्सो सॉरी इन दैट केस 7। 3 + 4 के केस में क्या है, ऑल्सो 7। 4 + 4 ऑल्सो इन दैट केस 8। रिमेनिंग केसेस में अगर लोअर पार्ट में सफर डायगनल की अगर अपर केस में चेक किया तो एडिशन क्या है, आइदर 5 or less than 5, आइदर 5 or less than 5। लोअर पार्ट में सारे के सारे आई और जे के एडिशन कैसे हैं, ग्रेटर देन 5 हियर। इन दैट केस एडिशन ऑफ आई एंड जे इज ग्रेटर देन 5 फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन। अगर एन का वैल्यू 4 है तो इसको अगर एन के फॉर्म में राइट डाउन करना, देन अगर 4 गिवन है, 5 कैन बी रिटन एज 4 + 1 ऑल्सो। 5 का मीनिंग क्या है इस केस में, लाइक 4 + 1, 4 के प्लेस पर यूज क्या करेंगे, n। फाइनली इस केस में कंडीशन क्या आ जाएगा, i प्लस j ग्रेटर देन n प्लस 1, दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्प्लेइंग स्पेसेस, i प्लस j ग्रेटर देन n प्लस 1। देन सेकेंड कंडीशन, इस कंडीशंस के बेसिस पर केवल ये डिसाइड करना पॉसिबल, या तो आपको स्पेस डिस्प्ले कराना है या फिर नंबर्स। अब चेक करें नंबर्स के लिए एक्सप्रेशंस क्या होगा, फर्स्ट वन डिस्प्लेइंग रिक्वायर्ड नंबर्स व्हेन एवर आई वैल्यू इज 1, आई का वैल्यू 1 है, इस केस में रिक्वायर्ड क्या है, 4। रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, 4। आई का वैल्यू 2 है, रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, 3। एवरी टाइम रिक्वायर्ड क्या है, इस केस में 3। आई का वैल्यू 3 है, देन रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, 2। देन आई का वैल्यू क्या है, 4। 4 के केस में रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, 1। सिंपली इस केस में अगर राइट डाउन करें, प्लस एन वैल्यू कितना गिवन है, एन वैल्यू इज 4। इसके अकॉर्डिंग अगर राइट डाउन करें, फर्स्ट वन आई का वैल्यू जब 1 है, देन रिक्वायर्ड क्या है, 4। उस केस में सिंपली राइट डाउन क्या कर सकते हैं, अगेन 5 - दिस इज समवट सिमिलर टू सेम एज प्रीवियस, 5 - 1। 5 - 1 के केस में डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस इज 4, इसलिए एवरी टाइम क्या डिस्प्ले होगा, 4। नेक्स्ट वन 5 - 2, 5 - 2 मीन्स 5 - i, 5 - 2 का डिफरेंस कितना रहा, 3, और एवरी टाइम रिक्वायर्ड भी क्या, ऑल्सो 3। 5 - 3 डिफरेंस इज 2, एवरी टाइम रिक्वायर्ड भी क्या, ऑल्सो 2। सेम एज 5 - 4 डिफरेंस क्या आएगा, 1, रिक्वायर्ड भी क्या था, ऑल्सो 1। 5 के प्लेसेस पर 5 को अगर n के फॉर्म में राइट डाउन करें, मीन्स दिस वन एक्सप्रेशन इज i, 5 के प्लेस पर राइट डाउन क्या कर सकते हैं, ऑल्सो लाइक इन प्लेस ऑफ 5, 4 + 1 फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू 4 है, इसलिए 4 के प्लेस पर क्या राइट डाउन करोगे, n। फाइनली इस केस में लॉजिक क्या है, n + 1 - i, मीन्स इस केस में क्या है, सेम एज पैटर्न, ऑलमोस्ट सेम एज प्रीवियस, n + 1 - i। दिस इज एग्जाम्पल एग्जैक्टली सिमिलर टू 81, ओनली डिफरेंस क्या, इसके इसमें शेप चेंज हुआ है, न कि वैल्यूज, मीन्स डिजिट्स को या नंबर्स को डिस्प्ले कराने का लॉजिक कैसा, सेम एज प्रीवियस।